नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे काले चने की सब्जी, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। रवास्की के लेटेस्ट रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले चना। मैंने एक कप चना लिया है। मैंने इसे दो दिन पहले पानी में भिगा दिया था, तो ये इसे मैंने पानी से बाहर निकाल दिया था। तो दो दिन बाद ये हमारे चने में आप देख सकते हैं छोटे छोटे अंकुर निकल आए हैं। इससे सब्जी हमारी बहुत हेल्दी बनती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो मैंने एक कप चना लिया है और इसके अंदर डालने के लिए मैंने एक प्याज, दो टमाटर, दो हरी मिर्च, 8 से 10 कलियाँ लहसुन की और एक टुकड़ा अदरक का लिया है। इसे पीस कर इसका हम पेस्ट बनाएंगे। और दो डंडी हमने करी पत्ती लिया है तड़का लगाने के लिए। नमक हमें स्वाद अनुसार लेना है। एक छोटा चम्मच जीरा, 3 से 4 पिंच हींग लिया हमने। एक छोटा चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 3 बड़े चम्मच हमने सरसों का तेल लिया है। आप कोई भी तेल ले सकते हैं जिसमें आप सब्जी बनाते हैं। 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, ये भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर है, और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, अगर आपके पास है तो डालें वरना न डालें। ये डालने में सब्जी थोड़ी और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम चना को बॉईल कर लेंगे। तो इसे हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इसके अंदर पानी डालेंगे। एक कप हमने चना लिया है, तो एक कप इसके अंदर हम पानी डाल देंगे और इसके अंदर 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। और हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। कुकर को मैंने गैस पर रख दिया है। इसे हम मीडियम आंच पर 2 सीटी आने तक पका लेंगे। और जब तक चना हमारा बॉईल हो रहा है तब तक हम सारे मसालों को पीस लेते हैं। तो प्याज को हम काट लेंगे और प्याज के जो पीछे का साइड होता है इसे हमें काट कर निकाल देना है, इसे नहीं पीसना है। और इसे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसके साथ ही इसमें अदरक भी काट लेंगे और हरी मिर्च को 2-3 टुकड़े कर लेंगे जिसे आसानी से पिस जाए। और इसके साथ ही इसमें टमाटर भी काटेंगे और इसके भी पीछे का साइड काट कर निकाल देंगे और इसे भी छोटे टुकड़े में काट लेंगे। और इसके साथ ही इसमें लहसुन की कलियां भी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम मिक्सर जार में अच्छी तरीके से पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। और ये पेस्ट हमारा अच्छी तरीके से पीस कर तैयार हो गया है और हमारा चना भी बॉयल हो गया है। इसे भी हम चेक कर लेते हैं। कुकर का ढक्कन खोलेंगे एक दाना उठाकर देखेंगे और इसे दबाएंगे। आप देख सकते हैं चना हमारा बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। तो इसे हम एक बर्तन में निकालेंगे। चने को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब चने के अंदर से हम पानी को निकाल देंगे। और मैंने जो पेस्ट बना के रखा है टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का, इसे भी एक बाउल में निकालेंगे। अब हम सब्जी को बना लेते हैं। और सब्जी को बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। तो गैस को मैंने ऑन कर दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसके अंदर सरसों का तेल डाल देंगे, इसे गर्म होने देंगे। अब हम इसके अंदर जीरा और हींग डाल देंगे, इसे हल्का सा ब्राउन होने देंगे। और आँच को हम धीमा कर देंगे। अब इसके अंदर हम करी पत्ते डालेंगे और ढक्कन से ढक देंगे क्योंकि इसका छीटा ऊपर तक आता है। इसे हम ढक देंगे, इसे हम हटा लेंगे, इसे हल्का सा भुनेंगे। और अब हम इसके अंदर जो मैंने पेस्ट बनाकर रखा है टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का, इसे डाल देंगे और मीडियम आंच पर इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। इसे मैंने 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर भून लिया है। तो अब हम इसके अंदर मसाले भी डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, इसे मिला देंगे। और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 से 3 चम्मच पानी इसके अंदर हम डाल देंगे। मसाला हमारा हमें अच्छी तरीके से पकाना है इसलिए इसके अंदर पानी डालना बहुत ज़रूरी है। तो इसे हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। जब तक तेल मसाले से अलग नहीं होने लगते हैं तब तक हमें इसे भून लेना है।
देख सकते हैं मसाला हमारा भुन चुका है और मसाले से तेल भी अलग होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा तेल या मसाला का प्रयोग हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तेल या मसाला बहुत कम खाया जाता है। अगर आपको तेल मसाला और खाना है तो आप और डाल सकते हैं। तो ये मसाला हमारा भुन चुका है तो इसके अंदर हम ये चना डाल देंगे जिसे मैंने बॉयल करके रखा था, और इसे भी हम 2 मिनट तक भून लेंगे मसाले के साथ। और चना हमारा भुन चुका है आप देख सकते हैं, और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो सबसे पहले चना के अंदर से हमने पानी निकाला था उसे डालेंगे, ये काफ़ी हेल्दी पानी है, इसे हमें फेंकना नहीं है। और इसे हम मिला देंगे, बहुत ज़्यादा पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि चना हमारा पहले से बॉयल है। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे, आधी कटोरी पानी इसके अंदर हम और डाल देंगे, और इसके साथ ही डालेंगे इसमें एक कसूरी मेथी, और इसके अंदर हम नमक डालेंगे। मैंने पहले इसके अंदर आधा चम्मच नमक डाला था तो आधा चम्मच नमक इसके अंदर हम और डालेंगे। नमक आप टेस्ट करके तभी डालिए। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे, और इसे मिलाने के बाद आँच को हम मीडियम रखेंगे और कढ़ाई पे ढक्कन लगाएंगे और इसे अच्छी तरीके से हम उबलने देंगे। हम सब्जी को चेक कर लेते हैं, सब्जी हमारी अच्छी तरीके से पक रही है आप देख सकते हैं, इसमें अच्छे से उबाल आ गया है और मैंने मीडियम आंच पर इसे 5 मिनट तक पका लिया है। और सब्जी की ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है आप देख सकते हैं, देखने में कितनी अच्छी लग रही है, इसे खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। इसे आप रोटी चावल या पराठे के साथ खाइए। तो इसके अंदर थोड़ी सी कटी हुई धनिया डाल देते हैं, इसे मिला देंगे। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, बस इसे 1 मिनट के लिए और ढक कर हम पका लेते हैं। 1 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटा लेते हैं और इसे मिक्स करेंगे। थोड़ी देर ढक देने के बाद जो हमने हरी धनिया डाला था उसकी खुशबू सब्जी के अंदर बहुत अच्छी आ जाती है, इसलिए मैंने 1 मिनट के लिए इसे ढक दिया था। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और सब्जी को बाउल में निकालते हैं, और ये काले चने की सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया और डाल देते हैं और हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। आप इस तरीके से काले चने की सब्जी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी और सभी लोग घर में बहुत पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।